Good morning, my dear students. Today we are start your chapter number 14, electric current and its effect. So students, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है एंड किस तरह से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है. सो लेट्स स्टार्ट. इन क्लास 6 यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट करंट एंड सर्किट. क्लास 6 में आप बच्चों आपने ये पढ़ चुके हो कि करंट क्या है और सर्किट्स क्या होते हैं. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या हो सकता है, कोई भी वायर हो सकती है, उसमें से जब चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं, इट मीन करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. तो आप डेफिनेशन दे सकते हो इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एंड द अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर बाय कनेक्टिंग इट सेल और बैटरी इज नोन एज अ सर्किट. अब करंट तो आपको पता चल गया कि किसी कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट जनरेट होता है. बट व्हाट इज सर्किट? जब आप कोई बैटरी एंड कोई सेल और बल्ब, इन चीजों का यूज करके आप जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो वो किस में जनरेट होती है? एक एज अ सर्किट. जैसे देखिए ये बल्ब है, बल्ब से इन्होंने एक की अटैच कर दी, देन एक बैटरी. तो इस पूरे सर्किट को, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सर्किट. अरेंजमेंट ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बिलो. ये दे रखा आपको. अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब, की एंड ड्राई सेल. कैसे बनता है सिंपल सर्किट? बल्ब, की एंड ड्राई सेल की हेल्प से. दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ सर्किट. इसे हम बोल सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिससे मिलकर क्या बनता है? सर्किट. बट सम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैव मैनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. अब कुछ बड़े अपने कह सकते हैं, ये तो छोटी सी बात थी, बट जहाँ बहुत बड़ा सर्किट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कह सकते हो कि पास आउट होती है. जैसे कि अब देखिए, एमीटर, वोल्टमीटर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ये चार चीजें हैं जो क्या करती हैं बच्चों, करंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है. एमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? करंट को मेजर करने के लिए. रेसिस्टर क्या होता है? करंट को रोकने के लिए. रेसिस्टर का यूज कैसे किया जाता है? करंट को रोकने के लिए. और कैपेसिटर का यूज किया जाता है करंट को स्टोरेज करने के लिए. क्लियर है? ओके. यू कैन फील इन कमेंट अ ड्राइंग पिक्चर टू ड्रॉ सच सर्किट, सो वी हैव सिंबल्स रिप्रेजेंट द सर्किट कंपोनेंट. आप ये सर्किट घर पे प्रैक्टिकली भी बना सकते हो, बट एक तरह से आप पिक्चर भी ड्रॉ करके हमें शो कर सकते हो. कुछ कंपोनेंट की ड्रॉइंग आपको दी गई है कि किस चीज से आप किस सिंबल को कैसे आप शो कर सकते हो. देखिए ध्यान से. फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सेल. द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैज अ टू पैरेलल लाइन. पहले देखिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में कि किस तरह से आप इसे शो कर सकते हो. इस तरह से. अब ये बड़े वाला जो साइन होता है ना, ये इसको, ये होता है प्लस का, एंड दिस छोटे वाला होता है, इसको बोलते हैं माइनस का. इट मीन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. वन लॉन्गर एंड वन शॉर्टर, यही मैंने बताया अभी. द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर बट स्मॉलर वन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल. सेकेंड है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब. बल्ब देखो कैसी शेप दी गई है. हाँ जी. एन एलिमेंट इज द फॉर्म ऑफ कॉइल. इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए एक, हाँ जी एक सेकेंड. इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए एक कॉइल दी गई है आपको. एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ बल्ब. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? बल्ब के सिंबल को. कैसे शो करेंगे आप इसको? इस तरह से बच्चों शो करेंगे. इस तरह से आप इसे शो करते हो. ठीक है. थर्ड आता है आपका स्विच. स्विच क्या होता है? देखिए एक तो होता है ऑन स्विच और एक होता है ऑफ स्विच. कैसे इनको पढ़ेंगे?
एंड टेबल थ्री एंड फोर रिप्रेजेंट विच ऑन पोजिशन एंड ऑफ पोजिशन। अगर आप कोई सर्किट ड्रॉ करते हो तो ऑन की पोजिशन आप इस तरह से शो करेंगे, ऑन की पोजिशन आप इस तरह से शो करेंगे एंड ऑफ की पोजिशन आप इस तरह से शो करेंगे कि ये आपका जो सर्किट है की है वो क्या है, सर्किट के अंदर ऑफ है एंड ये ऑन है, ठीक है। उसके बाद आती है बैटरी। बैटरी क्या होती है, सेल से मिलकर क्या बनती है बच्चों, बैटरी बनती है। टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब टू सेल्स या थ्री सेल्स को आप कंबाइन करते हो उस कंबाइन फॉर्म को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, क्लियर है। अ बैटरी इज अ फॉर्म वेयर सेल आर प्लेस्ड इन सच वे द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो सेल है ये बैटरी की तरह बिहेव क्या कब करेंगे, जब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, क्लियर है। मैनी डिवाइस सच एज अ टॉर्चेस बैटरीज टू थ्री फोर सेल अरेंज सिंपल वे शोइंग फिगर। आपके रिमोट जो होते हैं घरों में देखते हैं आप, या फिर टॉर्चेस होती हैं उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कंबाइन करा जाता है, पता है ना सभी को, हाँ जी। बट सम डिवाइसेस एज अ टॉयज ट्रांजिस्टर यूज बैटरी इन विच सेल आर प्लेस साइड बाय साइड। लेकिन कुछ आप देखो अगर टॉयज वगैरह के अंदर सेल्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, एज अ सिंगल सिंगल वे में सेल अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि ये सेल है एंड इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। बट जो हमारी टॉर्चेज होती हैं वो इस तरह से अरेंज किए जाते हैं, या हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देखिए ध्यान से, नेगेटिव ये टर्मिनल होते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है ना तभी वो एक जाके क्या बन जाता है, सेल बन जाता है, ठीक है। अब आती है वायर। वायर को किस तरह से शो करेंगे आप, वायर को एक सिंगल लाइन की तरह आप इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। द वायर यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट इन सर्किट इज रिप्रेजेंट बाय अ लाइन। अब कोई सर्किट बना रहे हो तो वायर के बिना तो वो सर्किट बिल्कुल ही क्या है, अधूरा है, इसलिए वायर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सर्किट। उसके बाद आता है रेसिस्टर। रेसिस्टर मैंने आपको बताया किस लिए यूज किया जाता है, करंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, एंड फिक्स्ड रेसिस्टेंस वायर इज रिप्रेजेंट बाय अ ज़िगज़ैग लाइन। तो रेसिस्टर कैसे आप शो करेंगे, एक ज़िगज़ैग लाइन के थ्रू। उसके बाद आता है एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये कैसे, ये भी ज़िगज़ैग लाइन की तरह ही शो करेंगे, लेकिन कैसे, इसके ऊपर एक एरो शो करके, ये क्या हो जाएगा, ज़िगज़ैग, ठीक है। उसके बाद है एमीटर। टेबल रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एमीटर इज मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। पहले ही मैंने बताया आपको कि एमीटर का यूज करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो आप एमीटर को किस तरह से शो करेंगे, ए लिख के इस तरह से आप डिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हो। उसके बाद आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, दो पोटेंशियल डिफरेंस को, इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है इसको हम वोल्टमीटर से मेजर करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे इसको शो करेंगे, ये भी एमीटर की तरह ही आप शो करेंगे। द टेबल रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स, क्लियर है। एंड लास्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, करंट की डिफ्लेक्शन के लिए, कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे हम गैल्वेनोमीटर के यूज से पता कर सकते हैं। द सिंपल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज शो द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इन एनी सर्किट। एक्टिविटी में देखिए थोड़ा सा कि आपने टू सेल लिए, उनको पैरेलली प्लेस किया है और एक तरह से कंबाइन फॉर्म में किया है एक वुडन के अंदर, तो दोनों ही क्या करेंगे बच्चों, वर्क तो करेंगी। उसके बाद आता है आपका सम टाइम, हाँ जी, सम टाइम इट सीन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज प्रॉपरली बट द बल्ब डज नॉट ग्लो। आप कई बार देखते हो बच्चे कि आपने प्रॉपरली सारा सर्किट रेडी कर लिया बट बल्ब ग्लो करता ही नहीं, रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द
द ब्रोकन फिलामेंट ऑफ बल्ब, ब्रोकन सर्किट समवेयर। अब फिलामेंट क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारा जो ये बल्ब होता है ना, इसके अंदर ना छोटी छोटी वायर सी लगी होती है, जो ये पतली सी वायर होती है ना बिल्कुल थिन सी, ये होता है बल्ब का फिलामेंट। ये निक्रोम का बना होता है, ठीक है। अगर ये ब्रोक है, ये ब्रेक है बच्चों बीच में से, तो क्या देखेंगे आप, ये ब्रेक है तो आपका सर्किट वर्क नहीं करना आपको दिखेगा, बिकॉज बल्ब इज अ ब्रोकन। द ब्रोकन फिलामेंट ऑफ बल्ब मींस द बल्ब हैज अ फ्यूज। अ फिलामेंट ब्रोक है, इट मीन बल्ब क्या आपका फ्यूज है। दस द ओपन सर्किट क्लोज सर्किट एज अ डिफाइन बिलो। अब आप ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कनेक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन इज कॉल्ड ओपन सर्किट। आप क्या देखते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब किसी पॉइंट से मान लो ब्रोक है इट मीन ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मीन क्या है, की क्या है ओपन है, तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा ही नहीं। एक छोटी सी ड्राइंग के थ्रू आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ये बैटरी लगा के यहाँ एमिटर लगाया एंड यहाँ मैंने की लगाई, ठीक है। अब बच्चों ये की है जो, ये मान लीजिए ओपन है, बल्ब तो लगाना ही रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये बल्ब है, जब की क्या होगी, ओपन होगी। की ओपन होगी तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज आप कह सकते हो कि सर्किट इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो नो करंट फ्लो, तो ओपन सर्किट करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो बल्ब क्या शो करेगा आपको, क्लोज शो करेगा। एंड द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वन टर्मिनल टू अनदर इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। अब करंट यहां से स्टार्ट हुआ, जब सारा सर्किट ही क्लोज है ना, सारा सर्किट ही क्लोज है, तो करंट तो फ्लो करेगा ही कंटिन्यूसली, जब की क्या होगी, क्लोज होगी। तो आप इसे क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट। When you switch on a bulb, it start glowing. आप बल्ब स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। Then after some time you will notice the glow bulb has become warm. और कुछ टाइम बाद आप ये फील करेंगे कि जो बल्ब आपने जलाया था वो क्या हो गया, वार्म हो गया। अब यहाँ से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि बल्ब गर्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इफेक्ट थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।